सो हाय गाइस, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप सब देख रहे हैं डैजल टेक यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो वर्डप्रेस सीरीज के ऊपर पार्ट वन होने वाला है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं वर्डप्रेस की वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज से और अभी से पार्ट वन, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ से मैं वर्डप्रेस की जो एक सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल लास्ट ऑफ द एंड मैं आपको सिखा दूंगा कि आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर कैसे बन सकते हैं और वेबसाइट को कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में। बहुत सारी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वर्डप्रेस क्या होता है। और अगर इससे पहले आप मेरी एक वीडियो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि www, URL, HTTPS और ये जो वेबसाइट होती है ये कैसे काम करती है, क्योंकि ये जो है ये एक चीज़ बेसिक है। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आप वर्डप्रेस क्या होता है ये चीज़ भी जानने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे शो करेगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, तब इस वीडियो को देखना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपका बेसिक क्लियर किया हुआ है कि HTTPS और वेबसाइट जो होती है वो कैसे काम करती है, WW जो भी बहुत सारी तमाम चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस को यूज़ क्यों करना चाहिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो हमें को वेबसाइट डेवलपिंग करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बहुत सारे वेबसाइट डेवलपर्स होते हैं वो वेबसाइट डेवलप करने के लिए वर्डप्रेस को ही क्यों यूज़ करते हैं, इसके क्या फीचर्स हैं और हम इस पर कितनी कितनी कैसी कैसी प्रोफेशनल वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि वर्डप्रेस क्या होता है। तो इसके लिए आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलना होगा और वहाँ पर मैं आपको एकदम ब्रीफ में समझाने वाला हूँ कि वर्डप्रेस क्या होता है। तो चलिए गाइस, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप भी मेरे साथ वर्डप्रेस की सीरीज़ के साथ आगे चलना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि उसके बाद होगा ये कि मैं जब भी कोई वेबसाइट डेवलपिंग या वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें जानना होगा कि वर्डप्रेस क्या होता है। तो देखिए, वर्डप्रेस इज एन CMS एज वेल ऑल नोन एंड इज अ वेबसाइट एंड ब्लॉगिंग टूल पावर्ड बाय PHP एंड MySQL। तो देखिए गाइस, जो वर्डप्रेस है वो एक CMS सॉफ्टवेयर है जहां से हम अपनी वेबसाइट और अपने ब्लॉग को बना सकते हैं PHP और MySQL की मदद से। यानी कि जो वर्डप्रेस है वो है PHP और MySQL का ही एक पार्ट है जो कि उन्होंने बनाया है। अब ये CMS क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जो वर्डप्रेस है हम उससे सुंदर सी डायनेमिक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। डायनेमिक मीन्स क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे हम स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट नहीं करते, इससे हम डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करते हैं। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं कि वर्डप्रेस क्या है, तो वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिससे हम डायनेमिक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। अभी आगे आपके और अच्छे से समझ में आने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब उससे पहले हमें समझना होगा कि CMS क्या होता है, फिर हम दोबारा से आएंगे कि वर्डप्रेस क्या होता है। तो देखिए गाइस, CMS इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ्टन अप्रिविटेड एज CMS इज सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यूजर क्रिएट, मैनेज एंड मॉडिफाई कंटेंट ऑन अ वेबसाइट विदाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नॉलेज। देखिए गाइस, जो CMS होता है वो एक तरीके का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से हमको बिना और विदाउट टेक्निकल नॉलेज, विदाउट टेक्निकल कोडिंग, विदाउट टेक्निकल नॉलेज के और विदाउट टेक्निकल कोडिंग के हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी कोडिंग। और CMS जो यूज़ किया जाता है वो डायनेमिक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब CMS आप होता क्या, अभी भी आप इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि CMS की जो फुल फॉर्म होती है, सबसे पहले वो होती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपको इसकी फुल फॉर्म से ही क्लियर होना चाहिए पहले। तो कंटेंट माने हमारा क्या होता है, कि जो पूरा कंटेंट होता है, जो हमारा सामान होता है। मैनेजमेंट मीन्स हम जो मैनेज करते हैं, सिस्टम यानी कि एक सामान को मैनेज करने का एक सिस्टम होता है हमारा CMS। और वर्डप्रेस भी उसी पर काम करता है, यानी कि आप वर्डप्रेस पर अगर वेबसाइट अपनी डेवलप कर रहे हो तो वहाँ पर जो आप अपना सामान रख रहे हो, अपनी पोस्ट लिख रहे हो, अपने पेजेस बना रहे हो और अपनी वेबसाइट पर लोगों को बुला रहे हो, उनसे उनकी डिटेल्स ले रहे हो, तो वो क्या है, वो उनका कंटेंट मैनेज ही तो कर रहा है, आपकी वेबसाइट को मैनेज ही तो कर रहा है। तो एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है
जो कि हमारी मदद करता है वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और उसको सुंदर बनाने के लिए विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज। अब CMS इज यूज फॉर क्रिएटेड डायनामिक वेबसाइट। अब ये डायनामिक वेबसाइट क्या होती है? तो गाइस देखिए, जो वेबसाइट्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले होती है स्टैटिक वेबसाइट एंड सेकंड होती है डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, साइट क्या होती है, सबसे पहले हमें जानना होता है। देखिए स्टैटिक वेबसाइट हमें क्या मदद करती है, स्टैटिक वेबसाइट हम कोडिंग की मदद से क्रिएट करते हैं। यानी कि अगर आपको जावा, HTML, CSS अगर ये सारी चीज़ आती हैं तो ही आप स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अब हमें क्या होता है, अगर हमें कुछ भी वेबसाइट में अपडेट करना होता है तो हमें उस वेबसाइट के कोडिंग पार्ट में जाना पड़ता है। यानी कि जहाँ से हमने उसकी कोडिंग की हुई है, जावा की कोडिंग की है, HTML की कोडिंग की है या CSS की कोडिंग की है, कोडिंग पार्ट में जाना पड़ेगा और तब वहाँ पर हमको कोड को चेंज करना पड़ेगा, तब हमारी जो स्टैटिक वेबसाइट है यानी कि जो वेबसाइट है उसमें अपडेट होंगे। मान लीजिए जैसे कि मेरी वेबसाइट में अभी 4 पेजेस हैं, एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, एक टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज है, एक कॉन्टैक्ट अस का पेज है, एक अबाउट अस का पेज है। अब मैं एक और पेज को ऐड करना चाहता हूँ, गैलरी को। तो अब मैं जब गैलरी का पेज ऐड करूँगा तो मुझे अपने कोडिंग पार्ट में जाना पड़ेगा, यानी कि मुझे वहाँ से कोड को एडिट करना पड़ेगा, कुछ कोडिंग में बदलाव करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ नए कोड्स लिखने पड़ेंगे इमेजेस को ऐड करने के लिए। मतलब बहुत सारा टाइम इसमें चला जाएगा कोड को करने में, क्योंकि कोड ऐसा नहीं है कि आप गए और लिखा और हो गया बस। तो कोड को टाइप करने में थोड़ा सा टाइम तो कंज्यूम होगा, लेकिन हमारी स्टैटिक वेबसाइट जो है यही होती है। यानी कि आपको स्टैटिक वेबसाइट का जो एक बैक हैंड होता है वो कोड होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता। अभी आपको डायनेमिक वेबसाइट जब मैं समझाऊंगा तब स्टैटिक वेबसाइट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो स्टैटिक वेबसाइट होती है उसमें हमें चेंजेस करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमको कोडिंग की नॉलेज नहीं होगी तो हम स्टैटिक वेबसाइट डेवलप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डायनेमिक वेबसाइट की यहाँ पर बात करें तो डायनेमिक वेबसाइट में कुछ नहीं है। अगर आप डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर रखा है, जैसे कि डायनेमिक वेबसाइट जो क्रिएट होती है वो हमारी ब्लॉगर पे होती है, वर्डप्रेस, जूमला और मजेंटो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर क्रिएट होती हैं। अब डायनेमिक वेबसाइट में अगर आपको कोई चेंजेस करना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे एक पेज ऐड करना है, तो स्टैटिक वेबसाइट में क्या था, पहले मुझे कोड में जाना पड़ेगा, कोड में फिर ऐड करना पड़ेगा, टाइटल देना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके वो ऐड होगा। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट में ऐसा नहीं है। सिंपल सा आप अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाइए जहाँ से आपने क्रिएट करी है, जैसे कि वर्डप्रेस को भी मान के चलते हैं। तो वर्डप्रेस के मैं डैशबोर्ड पे गया, वहाँ पे सिंपली एक पेज को नेम देना होगा, यानी कि एक पेज का नाम देना है, उसके बाद पेज का कंटेंट देना है, दैट्स इट, हमारा काम हो गया। तो देखा आपने, आपको कुछ समझ में आया ना कि स्टैटिक वेबसाइट जब हम डेवलप कर रहे हैं तो हमें कोडिंग में जाना पड़ रहा था, कोड को चेंज करना पड़ रहा था, लेकिन डायनेमिक वेबसाइट में ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें डायनेमिक वेबसाइट पे गए, मतलब वर्डप्रेस पर गए, वहाँ पर एक पेज नेम दिया, पेज का कंटेंट लिखा एंड पब्लिश कर दिया, बस हमारा काम इतना था। विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज हमने उस वेबसाइट को क्रिएट कर दिया, उस वेबसाइट में चेंजेस कर दिए बहुत ही आसानी से, और वो भी बहुत ही कम टाइम में। अगर आप मान के चलो तो मिनिमम 5 मिनट्स आपको बस चाहिए इसको करने के लिए, जबकि अगर आप स्टैटिक वेबसाइट में चेंजेस करते हो तो मिनिमम 30 मिनट्स टू 1 आवर्स आपको चाहिए ही चाहिए उसको चेंज करने के लिए। तो आई होप गाइस अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है। स्टैटिक वेबसाइट अगर आपसे कभी भी कोई पूछे तो आपको सिंपली कहना है, भाई स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जो हम कोडिंग से बनाते हैं, जो हम कोड को लिखकर बनाते हैं, कोड को चेंजेस करके उसमें एडिट करते हैं, जबकि डायनेमिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जो हम विदाउट एनी कोड उसको क्रिएट कर सकते हैं किसी भी CMS सॉफ्टवेयर की मदद से। अब आया ना आपको इसने मेरे, आप मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिए, डायनेमिक वेबसाइट हम किसी भी CMS सॉफ्टवेयर की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। CMS मींस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से हम वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, और हमारे CMS भी कई टाइप्स के होते हैं। देखिए इन CMS एडमिन कैन अपडेट एनी कंटेंट एंड मोर फंक्शन। CMS की मदद से जो एडमिन होता है वो बहुत सारी चीज़ों को अपडेट कर सकता है, किसी भी कंटेंट को अपडेट कर सकता है और बहुत सारे फंक्शंस अपनी वेबसाइट में लगा सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप Amazon, Flipkart जैसी वेबसाइट भी WordPress में डेवलप कर सकते हो विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज, तो आप मेरी बात को यकीन नहीं मानोगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो वर्डप्रेस में बनाई गई हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, और मैं आगे चल के आपको वो भी बता दूंगा कि कैसे कैसे हमको प्रोफेशनल वेबसाइट को डेवलप करना होगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके पास वर्डप्रेस नामक हथियार है तो आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट चुटकियों में डेवलप कर सकते हो।
अब देखिए मार्केट में कई सारे CMS हैं जो कि PHP में हैं, जैसे कि हमारे पास WordPress है, जूमला है, ओपन कार्ट है एंड मजेंटो है, लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा चलने वाला CMS है वो होता है हमारा WordPress। उसके बाद अगर मैं किसी को रिकमेंड करूँगा तो वो मैं मजेंटो को करूँगा, लेकिन हालांकि मजेंटो पे मैं इतना काम बिल्कुल नहीं करता, ज़्यादातर जो वेबसाइट डेवलप की जाती हैं वो वर्डप्रेस पे ही की जाती हैं, लेकिन अगर आप मुझसे एक राय मांगो तो मैंने आपको बता दिया मजेंटो। लेकिन अभी हम वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं, अगर आप वर्डप्रेस सीख जाओगे तो आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलप बन सकते हो और ये आपके लिए इनफ है। अब देखिए गाइस, हमें वर्डप्रेस ही क्यों सीखना चाहिए, तो देखिए विद वर्डप्रेस डेवलपमेंट क्लाइंट्स गेट यूनिक हैंड कोडेड क्रॉस ब्राउजर रिलायबल फॉर वेबसाइट। देखिए जो वर्डप्रेस है, सबसे बड़ी बात तो इसकी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप वेबसाइट को डेवलप कर रहे हो अपने कंप्यूटर में, मान लीजिए आप क्रोम ब्राउज़र में डेवलप कर रहे हो, तो कई सारे जो हमारा कोडिंग में होता है, हमें कोडिंग में देखना पड़ता है कि भाई जब हम मोबाइल में खुलेंगे तो हमारी वेबसाइट किस लेआउट में खुलेगी, कहाँ से क्या कट जाएगा, मार्जिन्स, पिक्सल्स, बहुत सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं, दिमाग अपना उसमें लगाना पड़ता है। और अगर हम मोज़िला में खुलेंगे तो अलग खुलेगी, क्रोम में खुलेंगे तो अलग खुलेगी, मतलब कोडिंग में हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है। लेकिन वर्डप्रेस क्या करता है, अगर आप एक ब्राउज़र में अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर देते हो तो वर्डप्रेस फिर उसको अपने आप ही उस सिस्टम के मुताबिक कस्टमाइज़ कर लेगा जिस भी सिस्टम में आपकी वेबसाइट को ओपन किया जा रहा है। मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट को कंप्यूटर में डेवलप कर रहे हो, तो जो जब कोई भी बंदा अपने फ़ोन में आपकी वेबसाइट को खोलेगा, ओपन करेगा, तो उसका कोई भी पार्ट कट नहीं होगा और बल्कि वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट बन जाएगी, उसके मोबाइल में ओपन हो जाएगी बहुत ही अच्छे से बिना कटपिट के। तो आप समझ रहे हैं ना, वर्डप्रेस में सबसे बड़ा फ़ायदा तो मुझे ये लगता है, आप किसी भी ब्राउज़र में खोल लो, फ़ोन में खोल लो, टैबलेट में खोल लो, अपनी टीवी स्क्रीन पर खोल लो, आपकी वेबसाइट का कोई भी पार्ट कट नहीं होगा और एकदम अच्छे से खुलेगी। एंड वर्डप्रेस इज़ फ्री CMS, मीन्स यू आर फ्री टू डाउनलोड, इंस्टॉल, यूज़ एंड मॉडिफाई। एंड इसकी जो सबसे बड़ी अच्छी बात लगती है मुझको, वो लगती है एक तो ये फ्री CMS है, आपको बस डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है एंड मॉडिफाई करना है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब वर्डप्रेस की वेबसाइट, दो वेबसाइट्स हैं, एक wordpress.org, एक wordpress.com। अब देखिए अगर आप बिगेनर हैं, अगर आप बिल्कुल अभी अभी आए हैं और आप अपना जो है होस्टिंग एंड डोमेन में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं और आप खाली वर्डप्रेस को सीखने के उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं मेरी सीरीज़ पे, तो आपको क्या करना है, wordpress.org पर जाना है, वहाँ से वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है, वो मैं बताऊँगा अपने आने वाली वीडियोज़ में। और वहाँ पर आपको अपना खुद का एक सर्वर बनाना पड़ेगा XAMPP सर्वर से, उससे क्या होगा, आपको विदाउट एनी होस्टिंग, विदाउट एनी डोमेन, आप अपनी वेबसाइट अपने सर्वर पर, अपने कंप्यूटर के सर्वर पर ही क्रिएट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो कि वो कैसी कैसी लग रही है। लेकिन जब आप उसको, आप पूरी तरीके से वर्डप्रेस सीख जाओगे और जब आपको अपनी वेबसाइट पे अपने फील्ड में उतारनी पड़ेगी, मतलब गूगल में उतारनी पड़ेगी, तब तो आपको होस्टिंग एंड डोमेन परचेस करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी मेरा एडवाइस यही है कि अगर आप वर्डप्रेस को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो तो विदाउट एनी मनी इन्वेस्टमेंट आप प्लीज़ अपने सर्वर पर ही इसको सीखो। जब आप अच्छे से सीख जाओ, आपको लगे कि हाँ अब मैं एक वेबसाइट बना सकता हूँ अपने लिए और उसको पब्लिश भी कर सकता हूँ गूगल पे, तभी आप डोमेन एंड होस्टिंग पे पैसा लगाना। तो हमें अपना सर्वर कैसे बनाना है वो भी मैं आपको आगे आने वाली दो या तीसरी वीडियो में बता दूंगा। और इसका देखिए जो सबसे बड़ा फीचर होता है वो होता है प्लगइन। अब ये प्लगइन क्या होता है, देखिए प्लगइन एक तरीके से प्लग होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका कंप्यूटर सिस्टम है या आपका लैपटॉप सिस्टम है, चलिए मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम है मेरे पास, अब मुझे कंप्यूटर सिस्टम में कोई माउस ऐड करना होगा तो मैं उसका खाली प्लग लगा दूंगा और माउस जो कंप्यूटर है वो उसको अपने आप एडजस्ट कर लेगा, बस मुझे उसको यूज़ करना है। इसी तरीके से कीबोर्ड, इसी तरीके से अगर मैं कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाऊंगा जैसे कि हेडफोन, स्पीकर, तो ये मैं प्लग ही तो कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से वर्डप्रेस में एक काम करता है प्लगइन, यानी कि आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया। अब आपको मान लीजिए स्टैटिक वेबसाइट हम डेवलप कर रहे हैं, तो स्टैटिक वेबसाइट में हमको कॉन्टैक्ट पेज का डेवलप करने के लिए हमें पहले कॉन्टैक्ट का कोड लिखना पड़ेगा, फिर उसको सेट करना पड़ेगा कि भाई जब कोई हमको कॉन्टैक्ट करे तो हमारे इस ईमेल पे आए, ऐसे आए, यहाँ ऐसे आए, तो ये चीज़ हमको वहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी, जबकि प्लगइन ऐसा नहीं करने देता। मतलब प्लगइन हमको ये सारे फीचर्स पहले से ही देता है, सिंपली क्या करना है, प्लगइन पे को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और बस ये बताना है कि कौन से ऑप्शन आप रखना चाहते हो, नेम रखना चाहते हैं, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, बस दैट्स इनफ एंड पब्लिश। आपको बस ये सारी चीज़ें करके पब्लिश कर देना और आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो ये प्लगइन क्या होता है, ये आगे आने वाली वीडियोस में जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तब आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो आई होप गाइस अब आप समझ गए होंगे कि वर्डप्रेस क्या होता है। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ,
वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसकी मदद से हम एक डायनेमिक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। तो आई होप गाइस आप सब अच्छे से समझ गए होंगे कि वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस कैसे काम करता है और वर्डप्रेस हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। अब देखिए हमारी फर्स्ट वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है जिसमें मैंने आपको बता दिया कि वर्डप्रेस क्या होता है। और इससे पहले मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख ली होगी जो मैंने आपको आई बटन में लिंक दिया था, व्हाट इज़ अ वेबसाइट एंड यूआरएल https://www। तो ये सारी चीज़ आपने देख ली होंगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी कि हम अपने सर्वर पर ही वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया आप दो तरीके से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो। एक तो wordpress.com पर आपको पैसा लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको वहाँ पर हॉस्टिंग तो खरीदनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, आप लगभग $7 से आई थिंक स्टार्टिंग है और फिर $7 से मुझे ध्यान नहीं है कि कितने तक एंडिंग होती है, लेकिन स्टार्टिंग $7 से ही है। लेकिन अगर आपको फ्री में सीखना है तो आपको अपना खुद का सर्वर बनाना पड़ेगा और वहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा वर्डप्रेस को, तब जाकर आप अपनी वेबसाइट को डेवलप कर पाओगे। लेकिन चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, आप बिल्कुल वैसी ही वेबसाइट को डेवलप करोगे जैसे आप किसी हॉस्टिंग और डोमेन को खरीद के करते। तो अभी तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि प्लीज़ कोई भी पैसा मत लगाना, अभी आप बिगिनर हो तो जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसा वैसा करते जाओ। अगर आप यकीन मानो मेरी एक एक वीडियो को देख लेते हो ना, यू आर द चैम्पियन ऑफ वर्डप्रेस, दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आ रहे हो और अगर आपको इसी तरीके के कोर्सेज पसंद आते हैं जैसे कि वेबसाइट डेवलपिंग के और प्रोग्रामिंग के और भी बहुत सारे मैं कोर्सेज लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, उसके ऊपर 100% पे एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।